बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। मिस्टर सिंह, महोदय, मैं उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू होने के बाद माल और सेवाओं के लिए उपभोक्ता बाजारों में भारी परिवर्तन आया है। आधुनिक बाजार में माल और सेवाओं का अंबार सा लग गया है। वैश्विक कंपनियों के देश में आने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वृद्धि और ई वाणिज्य के तेजी से बढ़ने से माल और सेवाओं की नई प्रणाली विकसित हुई है। महोदय, उपभोक्ताओं के लिए नए विकल्प और अवसर प्राप्त हुए हैं, परंतु इसके साथ उपभोक्ता नए प्रकार के अनुचित व्यापार और अनैतिक कारोबार के शिकार हो रहे हैं। भ्रामक विज्ञापन, टेली मार्केटिंग, बहुस्तरीय विपणन, सीधे विक्रय और ई वाणिज्य ने उपभोक्ता संरक्षण की तरफ सोचने को मजबूर कर दिया है, जिससे उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्धन हो सके और वह अनुचित व्यापार व्यवहारों से होने वाले नुकसानों से बच सके। महोदय, एक रिपोर्ट के मुताबिक देश का उपभोक्ता बाजार दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रहा है। वर्ष 2018 में यह 110 लाख करोड़ रुपये था और अनुमान है कि 10 वर्ष बाद यह लगभग 335 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। महोदय, उपभोक्ता बाजार की है वृद्धि देश में बढ़ती आबादी, तेज शहरीकरण, मध्यम वर्ग और इंटरनेट व स्मार्टफोन के तेजी से बढ़ने के कारण हो रही हैं। आज भारत उपभोक्ता बाजार में अपनी शक्ति के कारण दुनिया की आंखों का तारा बन गया है और पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। भारत में उपभोक्ता बाजार के बढ़ने में मध्यम वर्ग की अहम भूमिका है, जो अपने उद्यम कारोबार सेवाओं तथा पेशेवर योग्यताओं से न केवल आपकी कमाई बढ़ा रहा है अपितु अपनी क्रिया शक्ति से उपभोक्ता बाजार को बढ़ा रहा है। इसमें गति देने में इंटरनेट का अहम योगदान है। महोदय, देश में 62 करोड़ से अधिक लोग इंटरनेट उपभोक्ता हैं और देश के 40% से अधिक लोग स्मार्टफोन चला रहे हैं। इससे ऑनलाइन माध्यमों से लेन देन आसान हुआ है और व्यवसायों का संचालन हो रहा है। महोदय, मेरे कुछ सुझाव हैं, मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी उस पर संज्ञान लें। महोदय, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग तथा जिला फोरमों में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों की भर्ती में अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और उसके अनुसार उनको आरक्षण मिलना चाहिए। महोदय, उपभोक्ता बाजार आज की आत्मा है, परंतु कई बार बाजार में मिलावट, बिना मानक की वस्तुओं की बिक्री, अधिक दाम, कम नापतोल जैसे मामलों में मामलों से पीड़ित होते हैं। इस कानून में उत्पादों की गुणवत्ता संबंधी शिकायतों के संतोषजनक समाधान के लिए नियामक सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। महोदय, डेटा आधारित उपभोक्ता के हित संरक्षण व मोबाइल डेटा उपयोग के मामलों में सरकार को डेटा सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस देश के पास जितना डेटा संरक्षण होगा वह देश उतना ही आर्थिक रूप से मजबूत होगा। महोदय, मेरा एक सुझाव हो रहा है, आज जो पूरे देश में खाने पीने की चीज़ों में मिलावटी हो रही है, जैसे कि दूध है, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें मिलावट नहीं है, तो उस और भी कड़ा कानून बनना चाहिए, क्योंकि आज दूध मिलावटी दूध आ रहा है, उससे तमाम बीमारियां बढ़ रही हैं, कैंसर हो रहा है और कैंसर के बढ़ने की यही कारण है कि हर वस्तु में मिलावट हो रही है। और दूध और पनीर, जितनी शादियां होती हैं एक दिन में इतना शादियां होती हैं, जितना पनीर चाहे उतना अवेलेबल हो जाता है, तो कहां से आ रहा है, ये सब मिलावट आ रहा है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाए, जो आज मिलावट के कारण तमाम रोग बढ़ रहे हैं, जिससे उन पर नियंत्रण हो सके। मैं अतः इस संबंध में उपयुक्त नियम कानून बनाने की आवश्यकता है, जिससे ग्राहकों के डाटा की सुरक्षा और उसके व्यवसाय इस्तेमाल को तमाम पाबंदी लाई जा सके।